गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 फॉर योर रिवीजन, बिकॉज योर टेस्ट विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट वीक, सो यू हैव टू प्रिपेयर चैप्टर 1 परफेक्टली. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1 फॉर योर रिवीजन. आई हैव टेकन अ फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम योर लास्ट पेज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. Let us read aloud and try to understand with these topics. Here the first one is, the method of producing young ones of the same kind is known as reproduction. हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसा ही कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. सेकेंड है हमारा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑकर बाय वेरियस मेथड, एग्जांपल थ्रू रूट, स्टेम, लीफ एंड सीड्स. प्लांट में भी रिप्रोडक्शन को हमने देखा था और जाना था कि प्लांट भी अपने कई पार्ट्स से रिप्रोडक्शन करता है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ एंड सीड्स. ए सीड हैज थ्री मेन पार्ट्स, सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रायो. ओके, सीड के तीन पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रायो. द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन द सीड जर्मिनेट्स इट गिव्स राइज टू ए न्यू बेबी प्लांट. अ बेबी प्लांट इज नोन एज सीडलिंग. ए बेबी प्लांट इज नोन एज सीडलिंग. Look here, figure is not so clear. Now, a baby plant is known as seedling. Next point is, a seed need air, water, suitable temperature to germinate. Seed को germinate करने के लिए एयर, वाटर और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. अगर नहीं मिलेगा तो मेरा कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड टू डिफरेंट प्लेसेज अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. आपको याद होगा कि हम लोग ने सीड डिस्पर्सल को देखा था और सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स को भी देखे थे, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह सीड चले जाते हैं किसी एजेंट के माध्यम से. तो वो कौन कौन एजेंट्स हैं, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट में, डिस्पर्सल कैन बी कैरीड आउट बाय विंड, वाटर, एनिमल्स और इवन बाय सेल्फ एक्सप्लोजन. कौन कौन है आपके सीड, आपके एजेंट्स कौन कौन है? तो विंड हो गए एजेंट्स, वाटर हो गए, एनिमल हो गए और एक्सप्लोजन, सेल्फ एक्सप्लोजन फट जाते हैं तो उसमें से सीड इधर उधर हो जाती है. नेक्स्ट है आपका, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, वाइल्ड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स. हम लोग देख चुके थे जो समर सीजन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको कहे जाते हैं खरीफ क्रॉप, और विंटर सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उनको कहते हैं रबी क्रॉप्स. और कोई भी क्रॉप्स को अच्छे से उगाने के लिए फार्मर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी देखे थे, जिसमें था प्लगिंग, टीलिंग, लेबलिंग, मैन्यूरिंग, पेस्टिसाइड्स का स्प्रेड करना और हार्वेस्टिंग. ओके, फार्मर कैन गेट हेल्दी क्रॉप्स बाय फॉलोइंग सर्टेन टिप्स. फार्मर को भी कुछ टिप्स दिए जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से हेल्दी क्रॉप्स ग्रो कर पाए. तो आप भी, आप इसको चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार और फिर से पढ़ लीजिएगा. अगला है, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर यूज. हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कोई भी जो ग्रेन्स हैं वो सीजनल प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारा जो पॉपुलेशन है सभी के नीड को पूरा करने के लिए फूड को, ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत जरूरी है.
स्टोर भी लार्ज अमाउंट में करने होते हैं और उनको बचा के रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो सिलोज, आपको याद होगा हम लोग ने सिलोज वर्ड एक सुना था, जो एक लार्ज कंटेनर होता है और उसमें हम अपने ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं और वो इंसेक्ट्स से भी हमको हम लोग के ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन और फूड ग्रेन का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा क्विक स्क्रॉल। यहाँ आपको ग्लॉसरी में कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसको आपको याद करना कंपलसरी है, जैसे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, कॉटिलेडन क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। द एग्रीकल्चर द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस। एग्रीकल्चर क्या है? द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस। कॉटिलेडन क्या है? सीड लीव्स दैट कवर द एम्ब्रायो। ये सारे टॉपिक्स आपको दिमाग में होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अगर देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट लोकेशन बाई वेरियस एजेंट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। एम्ब्रायो अगर देखिए, तो बेबी प्लांट्स ग्रोइंग इनसाइड द सीड इज नोन एज एम्ब्रायो। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इंटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अ मेथड टू कलेक्ट एंड कट क्रॉप्स वेन दे मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एन ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इज कॉल्ड पेस्ट। पेस्ट मतलब कीड़ा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप पे बैठते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्ट। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक केमिकल होता है। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन, द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं जिस मेथड से, उसको कहा जाता है प्रोपेगेशन। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, आपको दिमाग में होगा। नहीं है तो फिर अपने डाउट क्लास में एक बार फिर से क्लियर हो जाइए और टेस्ट के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। आइए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द पोटैटो, सॉरी योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग। इन पोटैटो अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम। पोटैटो में नया प्लांट कहाँ से होता है? ऑलरेडी स्टेम से। द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम इट्स लीफ इज ब्रायोफाइलम। याद होगा आपको कि प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसके लीफ से नए प्लांट होते हैं, तो कौन है वो? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? सीड कोट, याद है। दिस पार्ट ऑफ द सीड प्रोवाइड्स फूड टू डेवलप सीडलिंग। कौन से पार्ट को फूड प्रोवाइड करता है? फूड, तो कॉटिलेडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप। तो रवि क्रॉप में क्या नहीं आते हैं? तो राइस नहीं आते हैं। आप ये सब सारे पहले भी पढ़ चुके हैं, याद भी होगा आपको। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोकोनट इज डिस्पर्स बाई, कोकोनट जो है वो वाटर के द्वारा ज़्यादातर डिस्पर्स होता है। सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो इंटू ए, सीड जब बड़ा होगा तो किस में बनेगा? हर्ब में, सैपलिंग में या सीडलिंग में? तो ऑफकोर्स सीडलिंग में। वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर डू नॉट ग्रो इन समर सीजन। कौन से वेजिटेबल समर सीजन में नहीं ग्रो करते हैं? तो कॉलीफ्लावर आपको विंटर सीजन का है, तो वो ग्रो नहीं करते हैं समर सीजन में। राइस व्हीट नीड लूमी सॉयल टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स। कौन से सॉयल आपके जो हैं वो लूमी सॉयल में होते हैं? तो आपका आंसर होगा राइस।
जिंजर गार्लिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टैंड। तो आपको याद होगा अंडरग्राउंड स्टैंड में जिंजर पोटैटो ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वीट पोटैटो ग्रोज थ्रू स्टेम कटिंग, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एकदम फॉल्स है, क्योंकि स्वीट पोटैटो रूट से होता है। सीड लीव्स आर प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रायो, सीड लीव्स कहाँ होता है, एम्ब्रायो के बीच में? तो हाँ होता है। द प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ऑल प्लांट, नहीं सभी प्लांट सीड के द्वारा नहीं होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड आफ्टर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, क्या कोई भी कीड़ा की दवा जिससे क्रॉप्स खराब होते हैं वो हार्वेस्ट के बाद होता है? तो नहीं, हार्वेस्ट के बाद नहीं होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विथ द क्रॉप्स, वीड्स अनवांटेड प्लांट है, सही है ये। आइए अब हम लोग को मैच करना है, तो मैच कैसे करें? तो लोटस का एजेंट क्या है, लोटस एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो वो वाटर के माध्यम से जाते हैं। जेंथियम, आपको याद होगा जेंथियम की चर्चा हम लोग किए थे, जो एनिमल के बॉडी पे चिपक के सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं। आपको मदार, मदार क्या है, वो विंड के द्वारा इधर उधर होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। और पी, पी किसके द्वारा होगा, एक्सप्लोजन के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये सब आपको पता है, आप अच्छे से इसको और देख लीजिए। अब आते हैं नया जो हम लोग का स्क्रैम्बल्ड द वर्ड्स, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट है ये, अगर देखिएगा तो ये बनेगा कॉटिलीडन, स्पेलिंग आप अपने से लिखिए। सेकंड है ये इम्ब्रायो, थर्ड है डिस्पर्सल, और फोर्थ है हार्वेस्ट। ओके, आप लिखे भी होंगे, अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो जाइए अपने टेस्ट के लिए। और नेक्स्ट लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको देख लीजिए। तो ए सीड नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ व्हाट, सफिशियंट क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो तीन चीज़ जब हमको मिलेगा तो जाके मेरा क्या होगा, सीड जर्मिनेट करेगा। तो इसमें क्या भरेंगे, वाटर, एयर और बताइए टेम्परेचर। गुड। एंड एम्ब्रायो कंसिस्ट्स ऑफ, एम्ब्रायो में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो बेबी रूट और बेबी शूट याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सीड इंटू स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। आपको याद होगा कि सीड से सीड प्लांट में चेंज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है, द सीड ऑफ कॉटन एंड हिप्टेज प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाई, तो कॉटन के सीड और हिप्टेज के प्लांट के सीड किससे होते थे, विंड से होते थे। और लास्ट है डैश एंड डैश आर वाइल्ड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, तो ये कौन कौन हो जाएंगे, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये दो वाइल्ड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो टेस्ट में आने वाले हैं उनके लिए एक रिवीजन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर टू का रिवीजन करेंगे, तब तक आप चैप्टर वन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट देने में कोई परेशानी नहीं आए और सारे चीज़ आपके दिमाग में मौजूद हो, क्योंकि चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। इसलिए आई होप यू ऑल प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड गिव द टेस्ट इफ़िशियंटली। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।